फ्रेंड्स फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक है कि हम ऑटो लेवल से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी हॉरिजॉन्टल लेंथ कैसे निकालते हैं। ये एक ऑटो लेवल का बहुत ही अच्छा मेथड है जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। इस मेथड के जरिए आज हम आपको बताएंगे कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं ऑटो लेवल के जरिए। ये एक ऑटो लेवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसको ठीक से समझ जाएँ तो ये काम भी आप इससे कर सकते हैं। बिना किसी इंची टेप लगाए आप हॉरिजॉन्टल लेंथ को मेजर कर सकते हैं। कैसे होता है हम आज आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। तो मैं हूं मनीष शर्मा सिविल क्रिएटर यूट्यूब चैनल से। दोस्तों, अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए उसको तो दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, इसके लिए जो हमें रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटो लेवल मशीन चाहिए। ऑटो लेवल मशीन को हम सबसे पहले सेट कर लेते हैं। तो दोस्तों, हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि ऑटो लेवल मशीन सेट कैसे करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, आपको स्टाफ पढ़ना जरूर आना चाहिए। उसकी भी हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ हम पहले वीडियो आपको बता चुके हैं। तो दोस्तों, जब हम ऑटो लेवल को सेट कर लेते हैं, जहाँ हमें पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए वहाँ पे हम अपना स्टाफ रख लेते हैं। जैसे कि देखिए, हमने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट सेट करा है, वहाँ पे हमने अपना ऑटो अपना जो स्टाफ है वहाँ पे एक बंदे को खड़े कर दिया है। देखिए, अब क्या होता है, जब भी हम ऑटो लेवल को देखते हैं तो ऑटो लेवल के अंदर हमारी दो एयर होते हैं। एक होता है स्टेरिया एयर, एक क्रॉस एयर। स्टेरिया जो बीच का जो क्रॉस सबसे जो बीच में जो होता है क्रॉस, उसको क्रॉस एयर बोलते हैं। जो अपर और लोअर पोर्शन में होते हैं उनको हम स्टेरिया एयर बोलते हैं। तो दोस्तों, तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग को नोट करते हैं। जो दोस्तों रीडिंग जो नोट करेंगे उनको आप भी साथ में साथ नोट कर लीजिएगा जिससे आपको डिस्टेंस का पता चल जाए। एक मेथड हम ऐसे ही क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, अब क्या करेंगे, हम अपने ऑटो लेवल में रीडिंग्स को देखेंगे। तो रीडिंग्स जो देखेंगे हम तीनों वायर पे अपनी रीडिंग्स को देखेंगे और वो नोट करेंगे। देखिए, हमने स्टाफ को कर लिया है सेट अपने जगह पे और इंस्ट्रूमेंट को भी सेट कर लिया है। तो जो हमारी जो अपर स्टेरिया वायर पे जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1.56, आप इसको नोट कर लेंगे। मिडिल रीडिंग आ रही है 1.475 और जो लोअर स्टेरिया एयर पे जो रीडिंग आ रही है वो आ रही है 1.39। इस सब को आप नोट कर लीजिएगा, आपको हम दिखा भी देते हैं। ये आप देख सकते हैं रीडिंग्स को। जैसा कि दोस्तों आपने अभी हमने जब आपको फील्ड में प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं तो उसमें आपने देखा, अंदर जो हमें दिखता है एक ऐसा सर्कल दिखता है टेलीस्कोप के अंदर, अपने ऑटो लेवल के टेलीस्कोप के अंदर, उसमें हमें ये क्रॉस लाइन दिखती हैं दो, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और उसके ऊपर दो कटेड लाइन दिखती हैं दो। ये सारी लाइन ब्लैक में होती हैं। तो दोस्तों, ये जो लाइन एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट कर रही होती है तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस एयर। जैसे कि हमने यहाँ पर आपको ब्लू कलर में दिखा रखा है आपको, यहाँ पे इसको बोलते हैं क्रॉस एयर। और जो ऊपर ये जो लाइन जो दिखाई देती हैं इनको बोलते हैं हम स्टेरिया एयर। देखिए, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है स्टेरिया एयर बोलते हैं दोस्तों इसको। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था, हमने जो यहाँ पे जो रीडिंग ली थी, इस पॉइंट पे जो रीडिंग ली थी, तो यहाँ लिख सकते हैं हम स्टेरिया एयर रीडिंग कितनी थी हमारी 1.560 मीटर। वहीं लोअर में देखेंगे तो लोअर स्टेरिया एयर रीडिंग थी हमारी 1.39 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रीडिंग्स थी वहाँ पे। तो उसके बाद हुआ क्या दोस्तों, ये आने के बाद हमने क्या करा, इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे। जब इन दोनों में इसमें से हमने अपर स्टेरिया एयर की रीडिंग में से लोअर रीडिंग हमने डिटेक्ट की तो ये आती है 0.17 मीटर। ठीक है दोस्तों, 0.17
1.17 मीटर आती है दोस्तों ये। तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया था, इसमें होता क्या है, इस मीटर को हम कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, तो क्या होगा 0.17 मल्टीप्लाई विद 100 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, इसको लिख सकते हैं हम। तो इस तो ऑटो लेवल की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। तो क्या होगा 17 सेंटीमीटर इज इक्वल टू लेंथ हो जाएगी 17 मीटर। तो जैसा कि आपने देखा 17 मीटर हम आपको लेंथ बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ ये कोई हमारा ट्राइपॉड स्टैंड लगा था, ये हमारा टेलीस्कोप था, ठीक है दोस्तों, और यहाँ कोई स्टाफ था, इस स्टाफ पे जो रीडिंग आई थी हमारी इस तरीके से, इस तरीके से हमारी रीडिंग्स थी। ये सर्कुलर हम बना सकते हैं, हम सर्कुलर कुछ कुछ इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, ये हमारी रीडिंग्स थी। तो ये अपर स्टेडिया, ये लोअर स्टेडिया, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस जो हमने निकाला 0.1 सेंटीमीटर आया, सॉरी 17 सेंटीमीटर आया, इसको कन्वर्ट किया 17 सेंटीमीटर जो 17 मीटर। तो हम यहाँ से ये जो डिस्टेंस चेक करेंगे ये हमारा 17 मीटर आना चाहिए। तो दोस्तों जैसे कि हमने रीडिंग्स को देखा, तो एक मेथड हम आपको ऑन फील्ड चेक कराते हैं। ऑन फील्ड जैसे कि आपने स्टेडिया वायर में देखा, दोनों रीडिंग देखोगे स्टेडिया वायर की, अपर रीडिंग जो आई है स्टेडिया वायर की उसमें से आप लोअर को घटाओगे तो उसकी जो रीडिंग आएगी 0.17 मीटर आएगी, ठीक है 0.17 मीटर, उसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से इसको अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। आप इसको अपनी साइड पर भी चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑटो लेवल हर जगह होता है, 1 मीटर बराबर होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर की। तो दोस्तों अब हम यहाँ से आपको वहाँ स्टाफ की रीडिंग पढ़ के, स्टाफ की दूरी देख के बताएंगे कि 17 मीटर कैसे आई। पहले तो आप स्टेडिया वायर की हमने आपको रीडिंग बताई थी, अपर की आई थी 1.56 और लोअर आई थी 1.39, दोनों का जो डिफरेंस है वो आता है 0.17, जिसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 17 सेंटीमीटर। इस हिसाब से जो हमारी लेंथ होनी चाहिए वो होनी चाहिए 17 मीटर। तो 17 मीटर लेंथ हम देखेंगे कैसे पता चलती है। तो दोस्तों आप अब देख सकते हैं हम ऑटो लेवल के सेंटर से होके रीडिंग लेके जा रहे हैं, जहाँ पे हमारा प्लम्ब निशान दिखाता है वहाँ से स्टाफ तक हम डिस्टेंस लेके जाएंगे और देखेंगे कितने मीटर आ रहा है। वो थोड़ा सा टाइट करेंगे और देखिए यहाँ यह है 17 मीटर। तो दोस्तों आप मेथड आप समझ चुके होंगे मेथड से कैसे 17 मीटर हमने लेंथ निकाली। दूसरा हम आपको अभी बताएंगे, लेकिन पहला मेथड यह है कि 17 मीटर लेंथ निकलाई, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है इसमें, आप ध्यान से देखिए। तो आपने देखा होगा वहाँ पे हमें लेंथ मिल गई। तो दोस्तों इस तरीके से हम बिना इंची टेप का यूज़ किए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ ऑटो लेवल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या आया हो तब भी तो हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आगे इसी तरह की हम नई नई वीडियो लाएंगे, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।